हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप चाहें तो अपने फोटोज, वीडियोस या फिर किसी अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। इसके बाद किसी को ये शक भी नहीं होगा कि आपने किसी भी एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोन में किसी भी फोटोज या वीडियो को हाइड करके रखा हुआ है। और इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है कि किसी को ये शक हो ही नहीं सकता कि ये लॉकर भी हो सकता है। तो आखिर ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा लास्ट तक। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को लास्ट तक। सो गाइस, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेट ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पर हम 4 से लेकर 12 डिजिट तक का एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं 1230 और इक्वल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें कंफर्म पासवर्ड के लिए भी यही प्रोसेस करना होगा, 1230 एंड इक्वल। तो फ्रेंड, पासवर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन निकल के आता है जिसमें पासवर्ड रिकवरी के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम अपने ईमेल आईडी को एंटर करके यहाँ पर इस आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें व्हाट्स न्यू करके एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ फिक्स की इस एप्लीकेशन में, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ से हम डन कर देते हैं इसको। और यहाँ पर हमें मिलता है कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर हम अपने फोटोज़, पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो को हाइड कर सकते हैं। ऐप लॉक यहाँ पर हमें मिल जाता है, इसके अलावा भी यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ रिमूव एड्स, इक्वल टू अनलॉक, तो इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं। जैसे कि हम जैसे ही वहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे उसके बाद इक्वल टू वाला बटन जब दबाएंगे तो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। स्लाइड शो इंटरवल का यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ पर स्लाइड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, चेंज रिकवरी ईमेल। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है जो कि है अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन। बेसिकली ये फीचर्स हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमने अपने काफ़ी सारे डेटा को इस वॉलेट में मूव किया हुआ है, उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो वो सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन को इनेबल कर देते हैं तो हमारा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इसे डिसेबल ना करें। और फ्रेंड, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें तो उससे पहले जो भी आपका हाइड डेटा है उसे आप पहले रिस्टोर कर लीजिए, उसके बाद ही अनइंस्टॉल करिए, वरना आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। सो गाइस, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। जब आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, उसे यूज़ करेंगे तो फिर आपको काफ़ी कुछ और नया देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ फोटोज़ को हाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें पिक्चर्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर हमें इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें जो भी फोटो हाइड करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लॉक वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। हमने जिस भी फोटो को सिलेक्ट किया हुआ तो वो फोटो हमारे वॉलेट में मूव हो जाएंगे। इसके बाद उन फोटो को आप बाहर से नहीं देख पाएंगे, केवल आप उन फोटोज़ को यहाँ वॉलेट ओपन करने के बाद ही देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक बार इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ और दोबारा से रीओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पूरा कैलकुलेटर का इंटरफेस देखने को मिलता है। और ये इंटरफेस ही नहीं, यहाँ पर ये कैलकुलेटर की तरह वर्क भी करता है। अगर आप यहां से अपने वॉलेट को ओपन करना चाहते हैं तो आपका जो भी पासवर्ड है उसे आप एंटर करेंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे और आपका जो वॉलेट है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फोटो को हाइड कर सकते हैं या फिर उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस वॉलेट का जो ऐप लॉक वाला फीचर दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने काफ़ी सारे फोटोज़, वीडियो को हाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, इसे यूज़ करिए, उसके बाद आप इसके और भी सारे फीचर्स को जान पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।